ऑल इंडिया बार एग्जाम 5 तारीख 5 फरवरी को ऑल इंडिया बार एग्जाम होने हैं। हमें जो स्टूडेंट होते हैं 40% मार्क्स से पास होते हैं, मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन उनको सही करते हैं तो वो पास होते हैं, पास माने जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑल इंडिया बार एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 40% जिसके मार्क्स होते हैं, मतलब कहने का कि 40 जो सवाल के सही जवाब बना लेता है वो इसमें उत्तीर्ण पास माना जाता है। अगर विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है जो इसके एग्जाम देते हैं अगर वो उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है जो लाइफ टाइम तक मान्य होता है, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के द्वारा वो पूरे भारत में किसी भी राज्य में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है अपने संपूर्ण जीवन तक, पूरे जीवन तक। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बाद अपने कोर्ट में प्रेजेंट होना, डॉक्यूमेंट साइन करना, लीगल कार्य करने का आधार प्राप्त कर लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के लिए बाद ही मिलता है। तो ओपन बुक एग्जाम है, इसमें ओपन बुक नहीं कहेंगे, उसको कहा जाएगा कि ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है। ओपन बुक का पहले प्रोविजन था पर अब उसको बंद कर, मतलब खत्म करके अब इसको बेयर एक्ट के माध्यम से, जो विदाउट कमेंट्री वाले होते हैं उसके द्वारा जो स्टूडेंट्स होंगे या जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी ही कहा जाएगा उनको, वो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।